आज के दिन की बात करें तो स्टॉक में हमको 5% का अपर सर्किट हिट होते हुए नज़र आ रहा है। जब गिरावट के बाद बाउंस बैक किया था, हमने डिस्कस किया था कि स्टॉक अपने इस रेंज को यानी 42 के लेवल को ब्रेकआउट दे सकता है, लेकिन हमको थोड़ा सा इंतज़ार करना होगा, ऐसा हमने डिस्कस किया था। क्योंकि जब जंप के बाद रिजेक्शन लिया था स्टॉक ने, अपने इस लो को ब्रेक डाउन नहीं किया था और ऊपर की ओर ही सस्टेन हो रहा था। अगर गिरावट आनी होती तो स्टॉक में सेलिंग देखने के लिए मिलती है और स्टॉक अपने इस लो को ब्रेक डाउन कर जाता। इस रेंज में स्टॉक सस्टेन हो रहा था, बड़ा सेलिंग देखने के लिए नहीं मिल रहा था। तो इस अकॉर्डिंग हमने डिस्कस किया था कि 42 का लेवल जहाँ से स्टॉक ने रिजेक्शन लिया, इसको अगर ब्रेकआउट करके सस्टेन हो गया तो बड़ी तेज़ी देखने के लिए मिल सकती है। और हम देख सकते हैं इसको ब्रेकआउट करके स्टॉक सर्किट में लॉक होता हुआ हमको नज़र आ रहा है। तो आप IFCI यहाँ से रुकेगा नहीं, यहाँ से हमको और बड़ी तेज़ी देखने के लिए मिल सकती है, बड़ी उड़ान हमको IFCI यहाँ से दिखा सकता है। आप अगर सपोर्ट लेवल को डिस्कस करें तो जिस लेवल को ब्रेकआउट किया है इमीडिएट सपोर्ट का काम करेगा, इसको ब्रेक डाउन कर जाता है तो नेक्स्ट 40 का लेवल, और जब तक स्टॉक इस लो के ऊपर है यानी 37 के ऊपर है, बड़ी गिरावट नज़र आना मुश्किल है। अब जो इमीडिएट रेजिस्टेंस का काम करने वाला स्टॉक अपने रेजिस्टेंस के आसपास है 44 के लेवल पर, हमने 42 के ब्रेकआउट के बाद इस लेवल को टारगेट के तौर पर डिस्कस किया था। 44 का लेवल इमीडिएट रेजिस्टेंस बनेगा, लेकिन चार्ट पैटर्न के अकॉर्डिंग और जिस तरह से सर्किट नज़र आ रहा है उस अकॉर्डिंग 44 का लेवल ब्रेकआउट हो सकता है। इसके ब्रेकआउट के बाद नेक्स्ट 46 और 46 के लेवल को स्टॉक ब्रेकआउट कर जाता है तो 50 से लेकर 54 तक के टारगेट आप शॉर्ट टर्म में हमको IFCI दिखा सकता है। ब्रेकआउट के चांस ज़्यादा बन रहे, मार्केट और IFCI दोनों अब ट्रेंड में यहाँ से तेज़ी हमको और दिखा सकता है IFCI। अगर आप डीमैट अकाउंट ओपन करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से कर सकते हो। वीडियो जो है एजुकेशन पर्पज़ के लिए, कोई बाय सेल या होल्ड की सलाह नहीं है।